हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ होममेड सरलक बनाने जा रहे हैं। तो होममेड सरलक कैसे बनता है, आप देखिए। यहाँ पे है चावल, मैंने चार चीजें भूंजी है, मूंगफली, चावल, सैगो और एक ये आटा और दलिया। ये पांच चीजों को अच्छी तरह से भूंजे हैं। हाँ, उसको ग्राइंड करेंगे और उसके बाद जब दूध उबालेंगे तब उसमें एक चम्मच दे के उसको अच्छी तरह से उबाल कर फिर बच्चों को पिलाएंगे। वैसे तो मैं हनी को ये सरलेक प्रोवाइड करती हूँ, बट मैं ये घर का भी सरलेक देना चाहती हूँ ताकि क्या हो, बच्चा और भी हेल्दी हो और अंदरूनी स्ट्रांग रहे, बने रहे। तो देखिए हम बना रहे हैं, दीजिए आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा घर पे, क्योंकि हनी अब 8 मंथ की हो रही है। इसमें थोड़ा चीनी मिलाना है, थोड़ा और दे दीजिए नहीं तो मीठा नहीं लगेगा तो खाएगी भी नहीं। देख लेते हैं जिधर से डस्ट हुआ कि नहीं। हाँ, आप खुद देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से डस्ट हुआ है। और भी करना है क्या? नहीं नहीं, देखिए चीनी और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा है, और एक बार चला दीजिए। हाँ, हमने इस पे मूंगफली दी है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, नट्स, काजू और बादाम, ये सब दे सकते हैं आप। इसमें डाल दीजिए। फिर हम ये जो भूंजा हुआ आटा है उसको तो ग्राइंड नहीं करेंगे, तो उसको इसी के साथ मिला देंगे। ये देखिए, जब बच्चा आपका 8 मंथ्स के ज्यादा हो रहे हैं, 8 मंथ में है, तो आप अगर सेरेलेक नहीं खरीद पा रहे हैं, वैसे भी इन सब चीजों की रेट तो बहुत ज्यादा, कितने की आई थी ये? 230 के, और हम ये 4 पैकेट खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम ये बना रहे हैं, इसके साथ साथ और भी ये वाले भी सेरेलेक देंगे हम। मल्टीग्रेन है, ये मल्टीग्रेन है। मैं तो बोलती हूँ आप अपने बच्चे को ये ऐसा सरलक बना के दीजिए, और जब दूध बॉयल होगा तो उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल दीजिए और उबाल के बच्चों को बॉटल में दे सकते हैं, या फिर आप चम्मच से भी खिला सकते हैं। ये तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी बार बार ना, और बच्चे रोएगा भी नहीं, क्योंकि अक्सर पेट भरा रहेगा। अक्सर हम सोचते हैं बच्चा हमेशा रो रहा है, क्यों रो रहा है पता नहीं चलता है, उसका पेट भरा रहेगा तभी नहीं रोएगा वो। देखिए डाइजेस्ट अच्छी तरह से होगी ना, इसमें गैस वगैरह भी नहीं बनेगी बच्चों को, एकदम ऑयल फ्री है। चीनी की मिठास देख लीजिए आप थोड़ा, फिर मैं तो थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक है, कैसा है? ना टेस्टी बना है ना सच्ची, मैं खा जाऊँ इसको सारा। वो टेस्टी बना है। वैसे सपना दी आइडिया बहुत अच्छा अच्छा देती है। राशि अगर खाएगी ना तो बोलेगी मैं खा जाऊँ।
चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही कम लोगों को पता होगा ऐसा सैलेड घर पे बना के बच्चों को दिया जा सकता है, तो हम ये बना के दे रहे हैं। आप देखिए और घर पे बनाइए और अपने बेबी को दीजिए, ये हेल्दी फूड। थैंक यू मेरे ये वीडियो देखने के लिए।